क्या आपको पता है कि लर्निंग एक लीनियर नहीं, चार स्टेजेस में होती हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो चार स्टेजेस जो किसी भी नई स्किल को, किसी भी नई चीज़ को सीखने में आप गो थ्रू करते हैं और कैसे आप उसका यूज़ कर सकते हैं अपने आप को एक्सेलरेट करने के लिए, अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। आई एम वेरी श्योर आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि कोई चीज़ जो आपको कभी नहीं आती थी, कोई चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, अब बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई है। चाहे वो गाड़ी ड्राइव करना हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो कोडिंग हो, कुछ भी हो। तो ऐसा क्या है जिससे आप उस स्टेज से जहाँ आपको कुछ भी नहीं पता है आप उस स्टेज पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको काफ़ी कुछ पता है, इफ नॉट सब कुछ पता है। तो जो चार स्टेजेस हैं, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ मॉडल जो कि 1970s में डेवलप हुआ था, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पिटेंसी मॉडल। एंड इस कॉम्पिटेंसी मॉडल में चार स्टेजेस होते हैं जो कि आपके लर्निंग के होते हैं, और अगर आपने इन चार स्टेजेस पे ध्यान दे दिया और आपने ये समझ लिया तो आपकी लर्निंग, आपकी स्किल्स के बारे में आपकी जो अवेयरनेस है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो पहला स्टेज है, इसको कहते हैं हम अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो आपको पता ही नहीं है कि आपको पता नहीं है, यू डोंट नो वॉट यू डोंट नो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे थे आपको गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं थी, तो जब आप पढ़ाई करते थे तब आपको नहीं लगता था कम्युनिकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, तब आपको पता ही नहीं था कि आपको चलाना ही नहीं आता है या आपको बोलना ही नहीं आता। दैट इज़ द स्टेज वन, दिस इज कॉल्ड अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। सेकेंड स्टेप विच इज़ कॉल्ड कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, जब आपको पहली बार लगा यार कि मुझे गाड़ी चलानी सीखनी है या मुझे अब तो लोगों को एड्रेस करना होगा, अब तो खुद से खाना बनाना पड़ेगा, दिस इज वेयर यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। एंड बहुत बार आप स्टेज वन से स्टेज टू तब जाते हैं जब कोई नीड होती है, जब कोई डिजायर होता है, क्योंकि बहुत बार आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं, मुझे हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता है एंड आई डोंट नीड टू नो अबाउट इट, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो जब तक नीड नहीं आती है, पहली पहली चीज जो है, नीड बहुत जरूरी है। जब आपके पास वो नीड आती है तब आप आते हैं कि यार मुझे तो ये पता ही नहीं है कि ये क्या है। इन मूविंग फ्रॉम अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस टू कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस इज अ नीड और डिजायर, एज दे से कुछ होना चाहिए, देयर शुड बी अ रीजन बिहाइंड इट। सो उसके बाद आता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, मुझे पता नहीं है। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ना है तो वी नीड, अगर हमें पता ही नहीं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस टाइम पे जो कुछ चीज़ें काम आती हैं वो हैं हैविंग अ मेंटर, हैविंग अ कोच, हैविंग अ गाइड जो आपको गाइड कर सके। अगर ड्राइविंग करना हो, मैंने तो ड्राइविंग स्कूल में सीखा था एंड आई टुक सम एक्स्ट्रा क्लासेस बिकॉज आई वाज नॉट श्योर। सो उस टाइम पे हैविंग अ मेंटर, हैविंग अ कोच, हैविंग अ टीचर कैन रियली टेक यू फ्रॉम जहाँ पे आपको यू नो दैट यू डोंट नो टू द थर्ड स्टेज विच इज कॉल्ड द कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, जहाँ पे यू नो दैट यू नो। जब आप पहली बार स्टेज पे जाना शुरू करते हैं एंड आपको लगता है यार ये तो हो सकता है, आई कैन डू इट, लोगों ने अच्छा अच्छा फीडबैक देना स्टार्ट कर दिया, या आपने गाड़ी चलाना सीख लिया, आपको लाइसेंस भी मिल गया, एंड देन आप धीरे धीरे अपना जो स्पीड रहता है, जो आप 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चला रहे थे, धीरे धीरे आप उसको 20, 25, 30 तक लेके जाते हो। दिस इज द स्टेज ऑफ दैट, जहाँ पे आपको यू नीड अ कोच, नीड सम गाइड, समथिंग, इट कैन बी अ पर्सन बट इट कैन ऑल्सो बी अ कोर्स, इट कैन ऑल्सो बी अ टूल, it can also be your online learning, whatever it is, based on case to case, you need something to drive you from stage 2 to stage 3. And uske baad aata hai, aapne dekha hoga kuch log jo hote hain unko they don't need preparation, wo stage pe jaate hi ekdam bahut hi acha sa presentation dete hain, ya ko log bahut achhi driving karte hain, आपको लगता है यार इसके साथ जाने में तो मुझे सेफ लगता है, बहुत ही अच्छा है, या कुछ लोग बहुत ही अच्छा कुकिंग करते हैं, वॉट एवर इट इज द स्किल्स, दे हैव रीच टू द स्टेज 4 एंड देयर इज नो पॉइंट फॉर गेसिंग, दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। तो आप स्टेज 3 से स्टेज 4 कैसे जा सकते हैं, बहुत ही सिंपल तो नहीं है, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप अगर आपने एक बुक पढ़ी होगी ब्लिंकिस्ट, जिसमें देयर इज अ वेरी फेमस 10,000 आवर्स रूल, की अगर आपको किसी चीज में मास्टरी चाहिए, किसी चीज का आपको एकदम एक्सपर्ट बनना है, तो यू हैव टू स्पेंड 10,000 आवर्स। अब आई डो नॉट नो वेदर यू रियली नीड टू स्पेंड 10,000 आवर्स, बट द पॉइंट हियर इज कि अगर आपको अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस चाहिए, अगर आपको हाइएस्ट लेवल ऑफ मास्टरी चाहिए, देन देर इज नो शॉर्टकट, यू हैव टू पुट इन द एफर्ट। आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको फीडबैक लेना होगा, आपको गाइडेंस लेना होगा,
and this is where having a coach can really accelerate your journey. Still, one thing I want to make very very clear, for any field there are no shortcuts. Agar aapko seekhna hai to aapko mehnat to karni padegi, but agar if you have a coach, what can happen is ki jo common mistakes hote hain, jo bahut hi छोटे छोटे चीजें जो मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से वो जर्नी और लंबी हो जाती है, वो छोटी हो जाती है. सो हैविंग अ कोच रियली हेल्प्स. सो द फोर्थ स्टेज इज कॉल्ड अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस. नाउ इफ यू गेट टाइम, अगर आपको रिसर्च करने का मौका मिले, तो देयर इज अ वेरी फेमस ग्राफ दिस इज कॉल्ड डनिंग क्रूगर इफेक्ट. एंड डनिंग क्रूगर इफेक्ट क्या कहता है कि जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो फर्स्ट स्टेज पे और फोर्थ स्टेज पे हाईएस्ट होता है. फर्स्ट स्टेज फोर्थ स्टेज क्या थी हमारी, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, एंड फोर्थ स्टेज इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस. तो जब आप अनकॉन्शियस स्टेज में होते हैं उस टाइम पे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो. बहुत सारी बात आपने देखा होगा, लोग बोलते तो इतने कॉन्फिडेंस में जैसे उनको सब कुछ आता है, बट एक्चुअली उनको कुछ नहीं आता है. और स्टेज टू और थ्री जो होती है वहां पे होता है लोगों का कॉन्फिडेंस क्वाइट लो. एंड अगर आपको स्टेज वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर जाना है, यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू प्रैक्टिस. एंड आई थॉट दिस वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू. सो थिंक अबाउट इट कि ऐसा कौन सा फील्ड है, ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे यू वॉन्ट टू गो फ्रॉम या स्टेज वन टू स्टेज टू, या स्टेज टू टू स्टेज थ्री, या स्टेज थ्री से स्टेज फोर. आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, एज ऑलवेज, keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone. This is Haritosh Srivastav. I'm going to see you in the next video. Until then, take care, stay safe, and stay blessed.